जय श्री राधे दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी केपी की वाणी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। रोजाना राशिफल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। राशि की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आज दिन है मंगलवार, तारीख है 31 मार्च और आज चैत्र नवरात्रि के 7वें दिन माँ काल रात्रि की पूजा आराधना की जाती है। नवरात्रि में माँ आदि शक्ति के 9 रूपों की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन से समस्त दुख संकट दूर हो जाते हैं और आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। चलिए अब आज का राशिफल जान लेते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। राशि की शुरुआत मेष राशि से करती हूँ। आइए जानते हैं मेष राशि का हाल कैसा रहेगा इन जातकों का आज का दिन। आज के दिन आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, मन की दुविधा आज दूर होगी, कोई रुका हुआ कार्य शुरू हो सकता है, उत्साह और उमंग से भरपूर रहेंगे, संचार माध्यमों का बखूबी प्रयोग कर पाएंगे, भौतिक संसाधनों में वृद्धि होगी। चलिए जानते हैं वृषभ राशि का हाल कैसा रहेगा वृषभ राशि के जातकों का आज का दिन। आज के दिन परिवार में कलह का माहौल हो सकता है, गुस्से पर नियंत्रण रखना उचित होगा, विद्यार्थियों को पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, माता के स्वास्थ्य की चिंता सताएगी। चलिए जानते हैं दोस्तों मिथुन राशि का हाल कैसा रहेगा मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन। आज के दिन घर के कार्यों में काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, जिंदगी की समस्याओं को सुलझाने में सफल रहेंगे, शत्रु सक्रिय हो सकते हैं, जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। चलिए जानते हैं कर्क राशि का हाल कैसा रहेगा कर्क राशि के जातकों का आज का दिन। आज के दिन लाभ के अवसर हाथ से निकल सकते हैं, प्रेमी जन को लेकर चिंतित रहेंगे, कारोबार में मंदी की आशंका रहेगी, आलस्य से बचने का प्रयास करें, विवादों से दूर रहें, सोच समझ कर धन खर्च करना उचित रहेगा। चलिए जानते हैं दोस्तों सिंह राशि का हाल कैसा रहेगा सिंह राशि के जातकों का आज का दिन। आज के दिन समाज में आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है, सेवा का अच्छा प्रदर्शन करेंगे, पुरानी बीमारियों से मुक्ति मिलेगी, तनाव मुक्त जीवन शैली के कारण मन संतुष्ट रहेगा, अधिकारी वर्ग आपकी प्रशंसा करेंगे। चलिए जानते हैं दोस्तों कन्या राशि का हाल कैसा रहेगा कन्या राशि के जातकों का आज का दिन। आज के दिन शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत ही खुशखबरी भरा हो सकता है, अपने समय का सही उपयोग करें, राजनीति से जुड़े लोगों की इज्जत आज के दिन बढ़ेगी, करियर में प्रगति के योग बन रहे हैं, बच्चों के साथ काफ़ी अच्छा वक्त गुजारेंगे। चलिए जानते हैं दोस्तों तुला राशि का हाल कैसा रहेगा तुला राशि के जातकों का आज का दिन। आज के दिन किसी बुद्धिमान व्यक्ति का आशीर्वाद मिलेगा, मजबूती के साथ स्थितियों को संभालेंगे, घर में कुछ नया कार्य करने की योजना बनेगी, वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा, धर्म के प्रति झुकाव हो सकता है, यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। चलिए जानते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि का हाल कैसा रहेगा वृश्चिक राशि के जातकों का आज का दिन। आज के दिन शरीर में थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है, अपनी बातों को लेकर निश्चित नहीं होंगे, अफवाहों पर ध्यान ना दें, घर के किसी सदस्य की चिंता सता सकती है, अजनबियों पर भरोसा करने से आज के दिन आपको बचना चाहिए। चलिए जानते हैं दोस्तों धनु राशि का हाल कैसा रहेगा धनु राशि के जातकों का आज का दिन। आज के दिन मन प्रसन्न और संतुष्ट रहेगा, घर में आपका दबदबा रहेगा, ससुराल से जुड़ी किसी समस्या पर चिंता हो सकती है, जीवन साथी को लेकर विचार बदलेंगे, जॉब में चैलेंजिंग काम मिल सकता है। चलिए जानते हैं दोस्तों मकर राशि का हाल कैसा रहेगा मकर राशि के जातकों का आज का दिन। आज के दिन नौकरी की समस्या का समाधान होगा, सामाजिक कार्यों में सहभागी होंगे, मन में अज्ञात भय रहेगा, जोखिम उठाने की कोशिश करेंगे, सहकर्मियों के साथ सहयोग की भावना मजबूत होगी। चलिए जानते हैं दोस्तों कुंभ राशि का हाल कैसा रहेगा कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन। आज के दिन लोगों की मदद करने की कोशिश करेंगे,
मित्रों के साथ कहासुनी हो सकती है। लव लाइफ में तनाव बढ़ सकता है, स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर हो सकता है। ठंडा पानी पीने से बचें, योग और मेडिटेशन में समय बिताएं। चलिए जानते हैं दोस्तों मीन राशि का हाल कैसा रहेगा। मीन राशि के जातकों का आज का दिन, आज के दिन अपनी क्षमताओं का पूरा प्रयोग नहीं कर पाएंगे, मन थोड़ा खिन्न रहेगा। शिक्षा में सफलता मिलेगी, अपने मन को कठोर ना रखें। सर्दी खांसी को लेकर सतर्क रहना उचित रहेगा। लेन देन को लेकर थोड़ा गंभीर रहें। ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई थी। ग्रह नक्षत्र में बदलाव से राशिफल में भी बदलाव हो सकते हैं। यह राशिफल पूर्वानुमान पर आधारित भविष्यवाणी है। व्यक्ति के कर्म के अनुसार भी राशिफल में परिवर्तन होता रहता है। ऐसे में आप हमेशा कर्मशील बने रहें। आशा करती हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों इस तरह की और अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो ज़रूर देखें। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी, लाइक कमेंट और शेयर कर हमें ज़रूर बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे। आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहें। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राधे।